हाय गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। नीट 2024 में बोनस मार्क्स कितने मिलेंगे? क्या बोनस मार्क्स मिलने के बाद कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा? सवाल ये उठता है, क्या कौन से क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिलेगा? एलन का आंसर सही होगा, आकाश का सही रहेगा, किसका आंसर सही रहेगा? पिछले साल किसका सही रहा था 100%? क्योंकि आप लोग जब अपना आंसर मिला के चेक करते हो मार्क्स, जो स्कोर अभी आप लोग बताते हो, वो एलेन या आकाश, ज्यादातर बच्चे इसे चेक किए होते हैं। तो हम पहले बोनस मार्क्स पे बात करते हैं, बोनस मार्क्स किस क्वेश्चन पे मिल सकता है और कितना मिल सकता है। देखिए, एक तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के बात करूं तो इस क्वेश्चन में आकाश का जो आंसर है वो 3 बता रहा है। आकाश फिजिक्स वाला जो है 2 और 3 दोनों को सही बता रहा है, ठीक है। और एलन की बात करें तो 3, तो आकाश और एलन का ही आंसर इस पे सही होगा। और इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इस पे एनटीए 3 को ही मानेगा। तो इसमें लेस चांस है कि इस क्वेश्चन पे आपको बोनस मिले, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, ये सबसे ज्यादा ये है, इस पे चांसेस है कि बोनस मिले, ठीक है। आपको बता दूं, एलएम बोल रहा है इसका आंसर 1 होगा, आकाश बोल रहा है आंसर 3 होगा, और पीडब्ल्यूडी फिजिक्स वाला है वो बोल रहा है 1 और 3 दोनों होगा। तो यहाँ पे आपको जो बोनस मार्क्स +4 मिल सकता है, ठीक है, या एनटीए ऐसा भी कर सकता है 1 और 3 दोनों को मान ले, ठीक है। उस केस में जो बच्चे अटेम्प्ट किए हैं उनको बोनस मिलेगा, जो आंसर जिनका सही है। लेकिन चांसेस है कि यहाँ पे +4 मार्क्स जो है सबको मिल जाए, ठीक है। और पिछले साल भी, पहले तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको फ्री काउंसलिंग दिया जाएगा, 100% फ्री है, ठीक है। और मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। और पेड काउंसलिंग के लिए आप डॉक्टर पंकज को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ये है बोनस क्वेश्चन। और देखिये, पिछले बार की बात करें तो पिछले बार भी बोनस मिला था दोस्तों 2023 में, और ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, जो जिस पे बच्चे ने सवाल उठाए थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस बार जो बोनस मिलने की जो संभावना है वो सिर्फ 1 क्वेश्चन पे है दोस्तों। और इस बोनस मार्क्स को अगर 4 नंबर बढ़ भी जाता है, मैं आपको बता दूं, 4 नंबर अगर बढ़ जाता है तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि +4 जब सबको मिल जाता है तो रैंक वही हो जाती है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते हो कि 4 नंबर और मिल जाता तो मेरा मिल, लेकिन सिर्फ आपको नहीं मिलता, अगर 4 नंबर सबको मिलता तो उसको फिर तो सभी को 4 नंबर मिल रहे हैं, रैंक सबके उसी के हिसाब से आ जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बोनस है, लेकिन कट ऑफ इस बार इंक्रीज होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ऐसा इंक्रीज होगी जो 2020 में हुआ था, ठीक है, 2020 में जैसे हुआ था वैसे ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पे नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।